जो प्रेम दुख में परिवर्तित होता है उसको प्रेम नहीं कहते, उसको आसक्ति कहते। हमने कहा तुम्हारा जो तुम्हारे बेटे के प्रति प्रेम है वो आसक्ति है, और आसक्ति क्या है? जा सकती है, दिखती नहीं। अशुद्ध प्रेम कौन सा है? वो कभी आता नहीं, वो प्रकट होता है और वो कभी खत्म होता है। भगवान कृष्ण को कितनी गालियां दी शिशुपाल ने, लेकिन भगवान ने उसको भी अपने में मिला लिया। भगवान राम ने, रावण ने क्या नहीं दिया उनका, लेकिन जब वो मर गए रावण महाराज, तो भगवान राम ने क्या कहा विभीषण को, जाओ उसके सब क्रियाकर्म करो। लक्ष्मण जी को कहा कि देखो जैसे वो इनका भाई है वैसे अपना भाई है, जाओ अपनी ड्यूटी। यह जो शुद्ध प्रेम है जिसमें मेरा तेरा का भाव नहीं होता, यदि ये नहीं हुआ तो हम वेदांत पढ़ रहे हैं ये अपने आप को सबसे बड़ा धोखा होता है। तो इस ज्ञान में कोई अन्य रहता ही नहीं, यदि अन्य रहा तो दोस्त है दुश्मन है, अपना है पराया है, सुख है दुख है, और यही तो संसार है।